नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिर से एक नई और ताज़ा वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 जून बुधवार आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले आज जिन जिन का बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा व्यतीत होगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। दोस्तों, आज 29 जून 2022 दिन बुधवार, जो कि ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी का पावन दिन है। इस दिन आप भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सुबह के 8:52 तक रहेगा। इसके उपरांत शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाएगी। वहीं दोस्तों, नक्षत्र की अगर बात करें तो आद्रा नक्षत्र रात्रि के 10:08 तक रहेगा और योग है आज वृद्धि नाम का शुभ योग। आज का अभिजित मुहूर्त का समय, तो आज के डेट में कोई भी शुभ समय नहीं है। आज का राहु काल का समय अर्थात माने जाने वाले दिन का अशुभ समय दोपहर 12:30 से 2:10 तक रहेगा। वहीं दोस्तों, सूर्यदेव मिथुन राशि पर है और चंद्रमा भी मिथुन राशि में ही संचार कर रहे हैं पूरे दिन रात। तो चलिए दोस्तों, ग्रह नक्षत्र देखा जाए तो काफ़ी शुभ नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं आज का राशिफल। दोस्तों, यह समय अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाएं, इससे आप सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकती हैं। वहीं दोस्तों, घर में कोई मांगलिक कार्य के आयोजन संबंधित योजना भी बन सकती है और खुशी भरा माहौल रहेगा। साथ ही दोस्तों, माता पिता के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत होगा और खुशी भरा माहौल रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय युवा वर्ग फालतू के कार्यों में समय नष्ट ना करें। माता पिता का अवश्य ध्यान रखें या फिर उनके माता पिता किसी भी व्यक्ति के साथ वाद विवाद तथा मतभेद उत्पन्न ना होने दें, ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। आपका ध्यान रखें कि मेहनत करने पर ही भाग्य का सहयोग मिलेगा। जैसा मेहनत करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अभी आप कार्यों को टालने का प्रयास ना करें। कुछ समय से चल रही परेशानियों का हल मिलेगा तथा अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी अधिक से अधिक ध्यान दे पाएंगे। वहीं दोस्तों, आपका अपने कर्म के प्रति अधिक से अधिक विश्वास रखना आपको कोई भी निर्णय लेने में बल प्रदान करेगा। वहीं दोस्तों, समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में भी परिवर्तन लाएं। भावनाओं में आकर कोई भी लिया गया निर्णय अभी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी फैसला कोई भी विचार जल्दबाजी में आकर ना लें, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। अत्यधिक गुस्सा आपके स्वास्थ्य व कार्यों में हानि का कारण बन सकता है, इसलिए आपको गुस्सा करने से भी बचना होगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय लोगों के साथ मेल मिलाप के लिए भी समय जरूर निकालें और अपना दायरा बढ़ाएं। इससे कुछ नई जानकारियां तथा उपलब्धियां हासिल होगी और आप तनाव मुक्त तथा ऊर्जावान महसूस करेंगे। साथ ही दोस्तों, किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य ना खोएं और किसी भी कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से व सोच समझ करके ही संपन्न करें। कोई लक्ष्य आपकी आंखों के सामने ओझल हो सकता है, इसलिए आप इस समय सतर्क रहिएगा और सावधान रहिएगा, आपके लिए समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, आज दिन में रूटीन हटकर कुछ नया करने की सोच विचार करेंगे और दिनचर्या आपका व्यतीत होगा। जरूरतमंद तथा बुजुर्गों की सेवा व देखभाल में भी आपकी विशेष रुचि रहेगी। किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए देखिए अच्छा सा रिश्ता आने से घर में खुशी भरा माहौल रहेगा और किसी निकट संबंधी के साथ वाद विवाद में अभी आप उलझने से माहौल खराब हो सकता है। नकारात्मकता फैल सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा और अपने गुस्से पर जितना हो सके कंट्रोल रखने का प्रयास करें।
अगर किसी प्रकार की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसे अभी आप टालना ही बेहतर रहेगा, अन्यथा यात्रा के दौरान अभी आपको नुकसान हो सकता है। इस समय गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना होगा और किसी गैर कानूनी में अभी आप रुचि ना रखें, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाना आपके व्यवसाय के लिए सकारात्मकता रहेगा। बीमा और इनकम टैक्स के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को आज बेहतरीन लाभ मिलने वाला रहेगा। ऑफिस में किसी प्रकार की इंक्वायरी हो सकता है, इसलिए आपको इस समय काम के प्रति लापरवाही करना दिक्कत हो सकता है। गैर कानूनी काम अभी आप बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपके ऊपर आरोप लग सकता है और परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर के लिए जो समय होंगे, यह समय देखिए व्यापार में नई पार्टियों तथा नए लोगों के साथ कोई डील करते समय अभी सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य कर लें। इस समय कहीं भी निवेश करने के लिए समय आपका अनुकूल नहीं है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए रुकना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। सरकारी मामले आज हल हो सकती हैं। अगर बहुत दिनों से पड़ा पेंडिंग कार्य करेंगे तो उनका भी समाधान निकल सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यह समय व्यवसाय में समय अनुसार लचीलापन का रुख रखना आपके लिए अति जरूरी है और आदर्शों और सिद्धांतों पर ज़्यादा अडिग रहना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। नौकरी या बिजनेस में माहौल अनुकूल बना रहेगा और अपने कामयाब भी रहेंगे। कोई ऑफिशियल यात्रा भी अभी समय आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंता रह सकती है। लापरवाही समय करने से बचना होगा और एक दूसरे का अधिक से अधिक देखभाल करें, उनका ख्याल रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें तो यह समय लापरवाही की वजह से बदहजमी और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। संतुलित आहार लेना आपके लिए अति आवश्यक है।